मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस गुजरात से नफरत करती है। कांग्रेस पार्टी परिवारवाद और भ्रष्टाचार की जननी के रूप में काम कर रही है। गुजरात में चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए मोदी ने जमकर कांग्रेस पर वार किए हैं। परिवारवाद, तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार ही राजनीति का एकमात्र लक्ष्य बन जाए तो विरासत पर ध्यान नहीं जाता। दुर्भाग्य से कांग्रेस ने दशकों तक देश के साथ लगातार यह अन्याय किया है। आज पूरी दुनिया में भारत की समृद्ध विरासत की गुंज सुनाई दे रही है। आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो पाएंगे कि लोग भारत आना चाहते हैं, भारत के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने दशकों तक दुनिया को भारत की असली विरासत से दूर रखा। आजादी की लड़ाई में पूज्य बापू ने नमक और खादी को आजादी का प्रतीक बनाया, कांग्रेस ने खादी को भी बर्बाद कर दिया और नमक सत्याग्रह की इस भूमि को भी भुला दिया। दांडी नमक सत्याग्रह के स्थल पर दांडी स्मारक बनाने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। हमने सरदार पटेल के योगदान को समर्पित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई, लेकिन कांग्रेस का कोई भी शीर्ष नेता आज तक वहां उन्हें श्रद्धांजलि देने नहीं गया। गुजरात के प्रति इसी नफरत को कोई गुजराती कभी भूल नहीं सकता। साथियों, आपने देखा है कि कैसे कांग्रेस के लोग मोदी की जाति को भी गाली देते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले भूल जाते हैं कि जितनी गाली देंगे 400 पार का संकल्प उतना ही मजबूत है। ये जितना कीचड़ फेंकेंगे 370 कमल उतने ही शान से खिलेंगे। भाई और बहनों, कांग्रेस के पास आज मोदी को गाली देने के अलावा देश के भविष्य के लिए कोई एजेंडा नहीं है। ये दिखाता है कि जब कोई पार्टी परिवारवाद के शिकंजे में आ जाती है तब उसे परिवार से ऊपर कोई नहीं दिखता। परिवारवादी मानसिकता नई सोच की दुश्मन होती है। परिवारवादी मानसिकता नई प्रतिभा की दुश्मन होती है। परिवारवादी मानसिकता युवाओं की दुश्मन होती है। अपने परिवार की रक्षा के लिए वो वही पुरानी स्थिति बनाए रखना चाहते हैं। कांग्रेस के साथ आज यही हो रहा है, जबकि भाजपा आने वाले 25 वर्षों उसका एक रोड मैप बनाकर देश के सामने विकास के लक्ष्य को लेकर के निकली है। इन 25 वर्षों में हम विकसित गुजरात बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।